काफी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हम अपने मेन्यू में क्या चीजें ऐड करें। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो अपने मेन्यू में क्या ऐड करें, क्योंकि वो बोल रहे थे कि क्या मैं पिज्जा ऐड करूं, बर्गर ऐड करूं, क्या ऐसी चीजें ऐड करूं जिससे मेरी सेल्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी एरिया में ऐसी क्या चीज है जिसकी सप्लाई कम है बट डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ अपने एरिया का, मेरे एरिया में कुल्हड़ पिज्जा की डिमांड बहुत है बट यहाँ पे सप्लाई कम है, तो मैंने अपने मेन्यू में ऐड कर दिया कुल्हड़ पिज्जा। तो इसी तरीके से आप भी अपने एरिया में देख सकते हैं, पहले एक सर्वे कर सकते हैं, घूम सकते हैं पूरी मार्केट में, पूरे अच्छे तरीके से देख सकते हैं क्या चीजें नहीं है इस मार्केट में। अगर कुछ ऐसी चीज है भी मार्केट में तो आप वो भी देख सकते हैं कि इसके अंदर से क्या छोटी छोटी चीजें हैं जिसको मैं चेंज करके अपने मेन्यू में डाल सकता हूं और मैं और अच्छा इस आइटम को आगे मार्केट में दे सकता हूं। सेकंड नंबर पे आता है आपका कॉस्ट। आपको कॉस्ट भी देखना है, प्राइस। अगर आप कोई आइटम दे रहे हैं ऑनलाइन तो उसका आप प्राइस कितना रखते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट, की मार्केट में उसकी क्या चल रही है, प्राइस क्या डिमांड है, उस हिसाब से ही आपको उसका प्राइस डिसाइड करना है जोमेटो और स्विगी के साथ। तो मेन्यू डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके एरिया में किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है। डिमांड देखने के बाद आपको ये देखना है कि इस आइटम में मैं क्या ऐसी चीजें चेंज कर सकता हूँ, यूनिक कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये आइटम और ज्यादा बिके। थर्ड आपको देखना है कि प्राइस, क्या प्राइस है, क्या मैं सेट कर सकता हूँ अपने आइटम का प्राइस ताकि मेरे दूसरे जो कॉम्पिटिटर है उनसे मैं अच्छा सेल कर पाऊँ मार्केट में। यही वो तीन चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रखकर अपने मेन्यू को डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।